सो हेलो गाइज, OV38 अपडेट आने के बाद फ्री फायर मैक्स पर फिर से गाइज नेटवर्क एरर प्रॉब्लम शो हो चुका है, जैसे कि फिर से न्यू चालू हो चुका है। तो गाइज आप इसको कैसे फिक्स आउट कर सकते हो, कैसे ठीक कर सकते हो, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट देखना, और हाँ भाई चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को एक लाइक कर देना है। तो चलो बड़ा टाइम वेस्ट करते हो, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो नेटवर्क कनेक्शन एरर, आपका यहाँ पर जैसे कि इंटरनेट सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है बोल रहा है। तो गाइज अपना इंटरनेट सही करना होगा, उसके बाद ही आप गेम को खेल सकते हो। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर मेरा अपना डाटा को ऑन कर देता हूँ, मेरा डाटा ऑफ था इसलिए यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन एरर प्रॉब्लम शो हो रहा था। जैसे मैंने अपने डाटा को ऑन किया और गाइज यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो नेटवर्क कनेक्शन एरर, यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ और गाइज फिर से यहाँ पर मैं रिफ्रेश करके यहाँ पर लॉग इन कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मेरा फटाक से गेम ओपन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने डाटा को ऑन कर दिया हूँ। तो गाइज नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम इसलिए से होता है, जैसे कि आपका इंटरनेट सही से कनेक्ट नहीं हो पाता या स्लो होता है या इधर उधर जो भी है। तो गाइज उसको कैसे ठीक करना है इस वीडियो में बताऊंगा। और गाइज आपके गेम पर जैसे कि जैसे आप गेम को स्टार्ट करते हो, रैंक हो या कोई भी हो, तो गाइज आपको वहाँ पर 99 लग जाता है, जैसे कि आपका नेटवर्क इशू होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण 99 लग जाता है और गाइज आप जैसे गेम को हार जाते हो। तो गाइज वो भी कैसे ठीक करना है वो बताऊँगा। तो चलो मेरा टाइम वेस्ट करते हो, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई के लिए एक लाइक भी वीडियो को कर देना। तो सबसे पहले तो जैसे कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, गेम पर एक सेटिंग करना होगा। तो गाइस आपको सबसे पहले तो क्या करना है, अपना गेम का सेटिंग पर चले जाना है। और गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मिलेगा ब्राउजर, तो गाइस ब्राउजर को आपको क्लियर कैचेस कर देना है, इसको कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको रिपोर्ट नेटवर्क इशू, जैसे कि आपका वहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन एरर प्रॉब्लम हो रहा था, तो गाइस यहाँ पर आप देख आपको रिपोर्ट करना है नेटवर्क इशू को। तो गाइस यहाँ पर आपको सेंड रिपोर्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एयर घूम रहा है। तो गाइस थोड़ा देर जैसे कि बात ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा, देखिए रिपोर्ट सक्सेसफुल कुछ इस तरह लिख के आ जाएगा। तो गाइस जो भी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। फिर भी गाइस आपका गेम ओपन नहीं होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ इस तरह का होता रहता है, तो गाइस आपको यहाँ से बैक आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना फ़ोन का सेटिंग पर चला जाना है, जैसे कि यहाँ पर मैं अपना फ़ोन का सेटिंग पर चला जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ प्राइवेट DNS। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ प्राइवेट DNS, तो गाइस आप लोग का सेटिंग पर जैसे कि प्राइवेट DNS का सेटिंग नहीं है, तो गाइस आपको क्या करना है वो बताऊँगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो प्राइवेट DNS सबसे ऊपर आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्लिक करते हो तो गाइस यहाँ पर आप देखें सबसे नीचे प्राइवेट DNS मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना। और गाइस जैसे कि यहाँ पर आपका ऑफर से लगा हुआ, तो गाइस यहाँ पर आपको प्राइवेट DNS प्रोवाइडर हॉस्ट नेम इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और गाइस यहाँ पर आपको लिख देना है DNS.google कुछ इस तरह सेम टू सेम डॉट शॉर्ट देना गाइस। और गाइस इसको सेव कर देना है। कुछ इतना करने के बाद फिर से गाइस अपना जो भी फ्लाइट मोड है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग एरोप्लेन मोड भी बोल सकते हो, तो गाइस इसको एक बार ऑन ऑफ कर देना, क्योंकि ये सिंपल सा एक ट्रिक है, जैसे कि जो भी नेटवर्क इशू होता है तो गाइस फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करने से भी ये ठीक हो जाता है। और गाइस उसके बाद अपना फ़ोन को जैसे कि एक बार स्विच ऑफ कर देना, फिर से गाइस ऑन करना है। और गाइस जैसे कि इतना करने के बाद भी ठीक नहीं होता है, तो गाइस जैसे कि आपका फ़ोन पर जैसे प्राइवेट DNS का सेटिंग नहीं है, तो गाइस आपको क्या करना है VPN को डाउनलोड करना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ VPN, मेरे पास एक VPN है, जैसे कि यहाँ पर आप देखें क्विक VPN, तो गाइस इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ओपन करना और गाइस वहाँ पर एक एरो आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप सिंगापुर को सेलेक्ट करके जैसे कि VPN कनेक्ट कर सकते हो। और गाइस अपना गेम को ओपन करके फिर से गाइस डिस्कनेक्ट कर देना, क्योंकि गाइस आपका ID बैन भी हो सकता है। तो गाइस ये आप VPN यूज करके भी, जैसे कि आपका फ़ोन का सेटिंग पर प्राइवेट DNS नहीं है, तो गाइस आप VPN यूज कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में कुछ इतना ही, फिर एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।